नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जो ये येलो सा छोटा सा फ्लावर देख रहे हैं, ये है येलो जैस्मिन, यानी कि पीली चमेली इसको बोलते हैं हम लोगों की भाषा में। और ये जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो फूल होते हैं इसमें बिल्कुल खुशबू नहीं आती है इस वाले चमेली फ्लावर में, लेकिन जो हम वाइट वाला होता है उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। वो भी मेरे यहाँ पे है बट अभी ब्लूम नहीं हो रहा है। और ये वाली जो है, अभी जो मैंने लास्ट शॉपिंग प्लांट शॉपिंग शेयर करी थी उसी में ये प्लांट आया हुआ था, जो कि मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता था। जब इसके फ्लावर खिले उसके बाद मैंने इनको सर्च किया, तब जाके पता चला कि येलो जैस्मिन यानी कि पीली चमेली इसको बोला जाता है। और अभी भी इसी ग्रो बैग मैंने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स फेस्टिवल के चलते मैंने अभी कोई प्लांट रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। जब भी करूँगी मैं मिट्टी और इसको किस तरीके से करूँगी सब कुछ शेयर करूँगी। तो नाम नहीं पता था जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को रिक्वेस्टली पूछा भी था, आप लोगों को भी नहीं पता था, फिलहाल पता चल गया। क्योंकि फ्रेंड्स लीव से नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन सा ये प्लांट है या फ्लावर है, जब इसमें फूल या फल आते हैं तभी पता चलता है कि ये कौन सा प्लांट है। और पेटल देखिए, इसके सिंगल पेटल है और दो मतलब डबल पेटल हैं, दो तरीके के खिले हैं, एक खिल के मतलब मुरझा के गिर चुका है। तो ये जो जैस्मिन यानी कि जो ये प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें जब स्प्रिंग सीजन होता है, जब ठंडक गर्मी दोनों होती है उस टाइम पे अच्छे से ब्लूम करता है। वैसे ये जो प्लांट होता है ज़्यादातर पहाड़ों में जहाँ सर्द मौसम होता है वहाँ पे अक्सर ये पाए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा होने लगी है तो इसका थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको मैं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इनको अच्छे से ठंडक मिल सके, यानी सेडी पैलेस पर इनको मैं रखूँगी। और जैसे विंटर सीजन में तो फ्लावरिंग नहीं करते, स्प्रिंग सीजन में ही ब्लूम करते हैं, लेकिन जो वाइट वाली चमेली होती है वो हमेशा ब्लूम होते रहते हैं, बस ठंडी में थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन गर्मी जैसे अभी बसंत आया है, इस टाइम पे ब्लूम करेंगे, गर्मी में होती रहेगी और फिर जब अक्टूबर नवंबर में भी अच्छे से ब्लूम करते हैं। ठंडी में थोड़ा सा ये लोग ये शोक में चले जाते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, तो ब्लूम नहीं करते हैं। और इसको देख सकते हो मतलब अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं, अच्छे से ब्लूम भी हो रहे हैं। ये वाले प्लांट की मैं बात करूँ तो ये बंचस में खिलते हैं, एक साथ फूल कम पत्तियाँ कम फूल ज़्यादा दिखते हैं, ये उसमें का प्लांट है। तो अभी तो मेरे गार्डन में शामिल हुआ है, आगे धीरे धीरे इसका मैं अपडेट आप लोग को देती रहूँगी किस तरीके से ब्लूम करते हैं, ग्रोथ कैसे होती है। और देखिए ये मतलब न्यू लीव्स अभी आ रही है, तो ये जो अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है इस टाइम पर बहुत अच्छे से मतलब जितने भी प्लांट है, पेरेल प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाली जो चमेली होती है इसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है, इसमें स्मेल नहीं होती, लेकिन जो वाइट वाली चमेली होती है उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। जहाँ पे लगे हुए होते हैं जब वो खिलते हैं तो मतलब पूरा जहाँ पे वो लगा हुआ होता है वहाँ पर भीनी भीनी खुशबू आती है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल खुशबू नहीं आती है, तो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। लेकिन अगर देखने की भी बात करूँ तो सबसे अच्छा यही वाला लग रहा है, क्योंकि ग्रीन पत्तियों में अगर येलो येलो इस तरीके से फूल खिलते हैं तो अच्छा लगता है। फिलहाल दोनों हमारे यहाँ पे हैं, अभी वो ब्लूम नहीं हो रहे हैं, बट ये वाला अभी मतलब स्टार्ट हुआ है। एक तो ये कल ही आई थी, तो जब प्लांट आया था मैं थोड़ा कन्फ्यूज थी कौन सा है, पत्तियाँ देख के नहीं बताया जा सकता है। पत्तियाँ तो जैसे मेहंदी होती हैं उस तरीके से इनकी पत्तियाँ थी, मतलब तीन रहती हैं, एक में तीन रहती हैं इस टाइप की, इनकी लीव्स देखे इस तरीके से हैं। और प्लांट तो बहुत ही हेल्दी है, इस प्लांट की मैं क्या बात करूं। और ग्रो बैग में इन लोगों ने 4 इंच का ग्रो बैग है उसी में लगाया हुआ है। मिट्टी की मैं बात करूँ तो मिट्टी जो है बिल्कुल सैंड वाली मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी होती है, देखिए जगह जगह से ग्रोथ होती है, यहीं से भी कलियां निकलती हैं इनकी, तो इसी तरीके से ब्लूम करते हैं। अभी तो मैंने इनको सिर्फ सेडी पैलेस पे रखा हुआ है, बिल्कुल मतलब मॉर्निंग की धूप मिल जाती है, उसके बाद इनको धूप बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। और जब इनको मैं अच्छे से गमले में लगा दूँगी, रिपोर्ट कर दूँगी, तब इनको जो रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ में इनको देती रहूँगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। सो फ्रेंड, आज की थी मेरी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।